फिल्म्स में क्यों जरूरी होता है अभिनय? एस एस राजामौली क्यों मानते हैं कि युद्ध पर बनी फिल्में एक सदा डिमांड में रहने वाला विषय है? क्या मुश्किलें होती हैं एक पीरियड ड्रामा फिल्म बनाने में? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा की उन फिल्मों के बारे में जो किसी सच्ची कहानी, इंसान, किसी जगह या युद्ध को लेकर बनी हुई हो। बता दें कि युद्ध पर बनी फिल्में मल्टी स्टारर होती हैं, जबकि इन दिनों बन रही फिल्में उन युद्ध में शामिल हुए जवानों और उन योद्धाओं पर बन रही हैं जिन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया। तो एस एस राजामौली का कहना है कि कई बार इन फिल्मों में हीरो की स्क्रीन टाइमिंग को लेकर ख्याल आता है कि जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं या वैसा पहनावा और मेकअप में आते हैं तो एक बार हम खुद भी अचंभित हो जाते हैं कि क्या वाकई हम एक ऐसे इंसान को जीवित कर पाएंगे जिसे हमने देखा ही नहीं, बस उसे महसूस किया है। हालांकि जब फिल्म व्यक्ति विशेष पर बनता है तो अभिनय देखने का मौका ज्यादा मिलता है, क्योंकि देश प्रेम आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आप यहाँ एक्टिंग करने आए हैं, इसके लिए आपको ये करना पड़ता है और उसके डर को जीना पड़ता है। और जब इस पर उंगली उठती है तो लगता है हम सफल हो गए हैं। आपको बता दें कि इंसान उसी को क्रिटिसाइज करता है और गिराने की कोशिश करता है जिसमें कोई बात हो, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी फिल्में बना पा रहा हूँ जिन पर उंगली उठती है लेकिन वो ब्लॉकबस्टर साबित होती है। तो आपको बता दें कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में निर्माताओं के लिए एक सदाबहार विषय है। पिछली सदी के 9वें दशक से पहले ज्यादातर निर्माता अंग्रेजों के खिलाफ हुए संघर्षों पर फिल्में बनाते थे, लेकिन ये दौर अब फिर से लौट आया है। आज़ादी के बाद भारत को 3-3 युद्ध लड़ने पड़े जिनमें मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले तमाम नायकों की कहानियां इसमें शामिल है। तो एस एस राजामौली का मानना है कि युद्ध की पृष्ठभूमि वाली फिल्मों में फिल्मकारों को एक्शन, ड्रामा और इमोशन समेत वह सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक अच्छी फिल्म के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अब ऐसी फिल्मों से दर्शकों का भावनात्मक लगाव भी होता है। हर युद्ध को राजनीतिक, किसी व्यक्ति विशेष, युद्ध स्थल या उससे प्रभावित लोगों समेत तमाम अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, लिहाजा एक ही युद्ध से जुड़ी तमाम कहानियां लोगों के सामने आ रही हैं। सेना, युद्ध और देशभक्ति से जुड़े विषय सदाबहार है। इन पर पहले भी फिल्में बनती थी, अब भी बन रही हैं और आगे भी बनती ही रहेंगी। अब ऐसी ही दो फिल्में RRR और R4 एस एस राजामौली द्वारा लाई जा रही हैं, जो दो युद्ध सेनानियों पर आधारित होने वाली है। RRR की सारी शूटिंग खत्म होने के बाद अब R4 पर काम किया जा रहा है। R4 की कहानी भी इन्हीं दो नायकों पर आधारित होगी, जो RRR का कंटिन्यूएशन पार्ट होगा, जिसमें सभी किरदार फिर से जिएंगे, फिर एक बार देश को बेहतर से बेहतरीन कुछ मिलेगा। तो आप लोग R4 को देखने के लिए कितने तैयार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।